मैं बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक उसमें नहीं जाता हूँ, सोचता हूँ कि किचन तक ही सीमित रहूं और व्यक्ति किचन से ही ठीक हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आयुर्वेद ने कुछ छोड़ा नहीं है, सबको समाहित कर लिया है। कोई जीरा खा के ठीक हो रहा है तो कोई मेथी खा के ठीक हो रहा है, कोई गर्म पानी पी के ठीक हो रहा है। और सबसे बड़ी विशेषता इसमें यह है कि लोग ये नहीं पूछते कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। अपने आयुर्वेद में अगर कुछ सेवन किया हो और अगर आपको लाभ मिला हो तो वो अवश्य ही बताएं। सर, जैसे मेरे पेट में दर्द हो रहा था तो आपसे पूछे थे, तो आपने बताया था कि त्रिफला के क्वाथ में अरंड का तेल मिला के वो लेने से बहुत ही अच्छा उसका दम, मतलब 10 दिन के अंदर, मतलब पहले दूसरे दिन से ही उसका हमको सुधार मिलने लगा, और 10 से 15 दिन के अंदर एकदम मतलब ठीक ही हो गया। देखें है क्या, जैसे कि आप 10 रुपए 5 रुपए 100 रुपए की बात करें, वैसे कोई बटुआ उठा के दे दे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि जरूरत कितने रुपए की है, तो पर्स लेते चलो, जो जरूरत लगेगी उसका उपयोग कर लेंगे, है ना। तो कई बार हमारी समझ में नहीं आता कि कफ दोष है कि पित्त दोष है कि वात दोष है। ठीक है, ये दोष भी है, गुण भी है, होना भी चाहिए और संतुलित होना चाहिए। तो कफ वात पित्त तीनों को संतुलित करने के लिए ये बड़ी सरल औषधि है। त्रिफला क्वाथ बनाइए, अरंड तेल डालिए, पी लीजिए। मुझे नहीं मालूम कि आपने पेट में क्या दिक्कत है आपके, जो है लूज मोशन हो रहा है कि कब्ज हो रहा है, पित्त बढ़ रहा है कि वात की वजह से मल सूख रहा है जिसकी वजह से दर्द है। तो जब कुछ समझ में ना आवे, तो ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं, जब कुछ भी समझ में ना आवे तो इसका उपयोग कर लेना चाहिए। तो ये कफ वात पित्त तीनों को संतुलित करने वाला बहुत ही अच्छा योग है त्रिफला क्वाथ अरंड का तेल, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट नहीं है। आज फायदा नहीं किया, कल करेगा, परसों करेगा, नर्सों करेगा, और ये ऐसी भी चीज नहीं जिसको लेते ही रहना है तभी तक फायदा करेगा, ऐसी भी बात इसमें नहीं। इसका बहुत जबरदस्त फायदा हुआ, मतलब पहले दूसरे दिन तीसरे दिन बहुत ही अच्छा एकदम। रमेश जी भी जुड़ चुके हैं, डॉक्टर रमेश जी नमस्ते। बहुत आसान भी है। हाँ, बहुत आसान है। नहीं, कई बार ये भी होता है ना कि मैं तो बाहर रहता हूँ, पानी कैसे गर्म करूंगा। ये छोटी छोटी समस्याओं की चर्चा करते रहते हैं, उसके अंदर जो छिपा हुआ बड़ा लाभ है कई बार वो छोटी समस्याओं में छिप जाता है।